जय हो विष्णु भगवान। अरे बेटी, भगवान से क्या मांगा तुमने? मुझे बहुत बड़ा जज बना दे, ये डिमांड की मैंने डैडी। भगवान से डिमांड नहीं करते बेटी, रिक्वेस्ट करते। अगली बार ये याद रखना। सुनिए जी, हाँ? आप इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर क्यों नहीं रखते? अरे कम से कम उसे एक केस तो जीतने दो, फिर असिस्टेंट क्या, सारी प्रैक्टिस उसे दे दूंगा। तुम लोग यहीं रुको, कार लेकर आता हूं। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे हट जाओ हट जाओ। अरे ब्रेक नहीं है। अरे भाई साहब उठिए। क्या हो रहा है? अरे भाई, अरे चलिए चलिए। अरे जरा रुकिए, चलिए। अरे गाड़ी रोक, क्या कर रहा है? सॉरी सर, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता। और क्यों? अरे ब्रेक नहीं है ना। अरे क्या क्या बात कर रहा है? हमें कार में ले जाने वाले थे, खुद स्कूटर पर जा रहे हैं। स्कूटर पर नहीं जा रहे हैं, स्कूटर ने डैड को टक्कर मार दी। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे देखो जब हम लोग, अरे मेरी साड़ी, अरे साड़ी छोड़ो। अरे ये मेरी बीवी, अरे मेरी साड़ी, कोई बचाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाइए। अरे घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए मैं कैसे मेरी साड़ी खींच के ले जा रहा हूँ। आप ठीक है ना? मेरी बीवी को बचाने के नाम उसे पकड़ लगा। चलो छोड़ो छोड़ो कमीने। चलो सुनिए, सॉरी 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 बहन जी, सॉरी। हालात ने मुझे आपकी साड़ी पकड़ने के लिए मजबूर किया। आई एम जस्ट लाइक योर ब्रदर। भाई होते तो अपनी बहन को साड़ी ला कर देते, ऐसे साड़ी थोड़ी खींच कर ले जाते। मैं मान ही नहीं सकती, तो मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। अरे चुप करो, देखिए तुम्हारा लवर है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्र ज्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फोड़ डालता तुझे, समझा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, गुंडे कहीं के? अरे अरे आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो जरा सोचिए मेरा क्या होता। अरे बकबक बंद करो, मैं ठीक हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का ढिंढोरा पीटोगी क्या? डैडी डैडी आप ठीक तो है ना? चलिए रुकिए रुकिए रुकिए, रुकमिनी जी, सॉरी 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 सॉरी। आपके पापा को मैंने धक्का दिया था, उसके लिए हजार बार सॉरी लिखने को तैयार हूँ। सॉरी लिखकर देने से या कहने से क्या होता है? बिना ब्रेक वाली स्कूटर से कभी भी मार दोगे। रुकमिनी क्या है ये? तेनाली रामकृष्णा BA BL, गीता को साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि आज के बाद बिना ब्रेक की स्कूटर तुम्हारे पापा को क्या, किसी के पापा को धक्का नहीं मारेगी। प्लीज प्लीज। तुम झूठे हो, मैं यकीन नहीं कर सकती। रुकमिनी मुझसे पंगा लेगा तो तेरे लिए रिस्क है, और अगर मैंने तुझसे पंगा लिया तब भी तेरे लिए रिस्क है। तेरा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नमस्ते माँ जी। कल की तारीख है, मेरी बेटी को बेल मिल जाएगी ना? माँ जी मैंने जुबान दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कल वरलक्ष्मी जी को बेल मिलेगी, मतलब मिलेगी। वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद, वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद, वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद। अरे सीनू, क्या कोर्ट के अंदर सारे लोग हंगामा कर रहे हैं? आज वरलक्ष्मी जी की बेल का केस है ना, इसीलिए इतना हंगामा। Proceed, please. Yes, Your Honor. ये बहुत बड़ी हस्ती है Your Honor. Most influential and dangerous woman. ये एक खूनी है Your Honor. I object, Your Honor. और मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टर्म विद्रॉ करे कि ये खूनी है। And Your Honor, my client is respectable and responsible citizen. और उसके आधार पर ही उनकी फैमिली है, अदालत जब भी चाहेगी वो यहाँ हाजिर होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा Your Honor कि उन्हें जमानत दे दी जाए। That's all. 2 लाख डिपॉजिट के आधार पर वरलक्ष्मी की बेल मंजूर की जाती है। ऐसा केस अगर हमें एक बार मिल जाए ना, केस कैसा भी हो हारता तू ही है। अबे सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो अपशगुन होता है, और मैं तो तुझे साथ में लेकर घूमता हूँ यार। मेरी लाइफ में बस ऐसा एक केस आएगा ना, फिर देखना। हमें अपनी फैमिली की हैसियत के मुताबिक सब्जी खरीदने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए, हमें इस तरह मार्केट में आना शोभा नहीं देता। अरे ये क्या फिर से ब्रेक फेल हो गया? अब देखो ना, अरे ऐसे हाथ में लेके खरबूजा कैसे लिया? अरे मैडम प्लीज प्लीज साइड हो जाओ, अरे साइड हो जाओ, ब्रेक नहीं है। सॉरी सॉरी, अरे प्लीज साइड हो जाओ प्लीज। ये
दूसरी तरफ आ रहा है, लगता है आज कहीं मेरी लुंगी ही ना फट जाए। ब्रेक नहीं है, साइड साइड। अरे कम्मा मर तो नहीं गई? चलो चलो खरबूजे और तेरे वेट के चक्कर में मेरी तो जान चली गई। खरबूजा कैसे दिए? मैं तुझे खरबूजे वाला दिखता हूँ? ठेले के साथ खड़े तो और मैं क्या बुलाऊं? स्टूपिड, मुंह बंद रख, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, चल जाए यहाँ से। दिमाग से पागल है क्या तू? अरे ये तो थैले के पीछे पड़ी है। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ब्रेक फेल हो गया था इसलिए। देखो तेनाली, पहले मेरे डैडी के साथ, फिर मेरी मम्मी के साथ, अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ बस। चलो दम है तो मुझे भी धक्का मारो, मारो मारो, अच्छा नहीं लगेगा। अरे लड़की ने मजाक में कह दिया तो सच में धक्का देगा? सर इतनी बार बोला, अगर नहीं करता तो फील होता ना, इसलिए तुझे तो आप रहने दीजिए, इसे तो मैं देख लूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। 702-506-103 सेक्शन के तहत केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस तेरे ऊपर डालकर अगर कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाए तो मेरा नाम बदल देना तू। चलिए डैडी, चल बेटी, अच्छे केस कर देना बेटी। सर सारे सेक्शन गलत बता रही है, कम से कम आप तो सिखाइए। अरे तू अपना काम कर, सेक्शन क्या हमें नहीं पता? सुनिए जी, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी लीजिए। ये क्या है? मैंने तो कॉफी मांगी थी। क्यों अब चाय नहीं पीते क्या? अब लाई हो तो पीना ही पड़ेगा ना। अब कल बिस्किट मांगूंगा तो डॉगी के बिस्किट मत दे देना। ठीक है, यही करूंगी। आपकी बात मैं कैसे डाल सकती हूँ? कल से ना घर में डॉगी के बिस्किट लाकर रख दूंगी। हाय मामी, हाय डैडी, हाय बेटा, हाय मेरे सोना। बेटी तेरे फेस पे तो कोई मैजिक है, तुझे देखते ही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब छूम अंतर हो जाता है। भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन दिलाया है, आपको देखते ही बॉडी का सारा स्ट्रेस यूं ही चला जाता है। और बीवियों को देखते ही सरदर्द। मैं सर दर्द हूँ आपके लिए? सिर्फ सर दर्द ही नहीं, पैर दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, बॉडी दर्द, सब दर्द तुम ही हो। और कुछ बताऊँ क्या? इन सारे दर्द के साथ प्रेगनेंसी का दर्द भी सहा होता ना, तब पता चलता मैंने कितना बड़ा एहसान किया है आप पे। कोर्ट में बहस करके जीत सकते हैं लेकिन बीवी से नहीं, बाय चांस दिमाग खराब करके जीतना चाहो तो भी नहीं। रिलैक्स मामी, रिलैक्स डैडी, मैं जॉगिंग करके आती हूँ। हाँ जाकर आ जा। श्वेता, उस सेनाली ने सच कहा था, मेरे फेस में पावर है। वो ओवर कर रहा है और तू उससे भी ज्यादा ओवर कर रही है। नहीं यार, मेरे डैड ने भी यही कहा। अभी फोन क्यों किया? सुनिए जी। क्या है बोलो? देखिए शाम को आकर आपको खाना बनाना पड़ेगा। ए, तुम्हें रोज घर में बैठ के टीवी देखने का, किटी पार्टी करने का, शॉपिंग करने का टाइम है, लेकिन कभी मुझे एक प्याला चाय बना के दी हो क्या? दिन भर काम करने के बाद थक जाता हूँ तो पैर दबाई हो क्या? देखिए शादी वाले दिन आपके पैर पकड़े थे ना तो मेरे पैर में दर्द हुआ था, आपको कहीं भी हाथ लगाऊं तो दर्द मुझे ही होता है। ए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर रात को खाना नहीं बनाना तो बेडरूम के अंदर नहीं घुसने दूंगी यहाँ। अगर मैं चाहूँ ना तो रोज अलग अलग तीन बेडरूम में अलग अलग टाइम पे सो सकता हूँ, समझी क्या? अगर इस तरह से बात की ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। माँ के घर जाएगी तो जा 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 ना।